ये तस्वीर है देश की सबसे बेहतर बताई जाने वाली दिल्ली पुलिस की, जो खाकी के नशे में इतना मगरूर है कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मार रही है, थप्पड़ मार रही है। ये तस्वीर देखिए। मौके पर खड़े लोगों ने पुलिस वाले की इस हरकत का विरोध किया, पुलिस वाले से बहस होने लगी। यहाँ भी पुलिस वाला पूरी अकड़ में था। जाहिर है माहौल तनावपूर्ण बन गया। बता दें कि इंद्रलोक इलाके में शुक्रवार को जुम्मे के दिन नमाज अदा करने के लिए कुछ लोग सड़क पर आए और वहीं लाइन लगाकर नमाज पढ़ने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन उसकी हरकत बेहद आपत्तिजनक थी। घटना से गुस्साए लोगों ने इंद्रलोक थाने पहुंचकर वहां भी हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में पुलिस अधिकारी थाने पहुंच गए और लोगों को समझाने बुझाने लगे। साथ ही तत्काल आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। वीडियो सामने आई थी, वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है और हम लोकल लोग हैं, उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। और अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है। लोकल लोगों के साथ हम मिलके ये काम कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और समझा बुझा कर आक्रोशित लोगों को शांत करा लिया है। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है। साथ ही वायरल वीडियो की जाँच की जा रही है। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कॉमेंट कर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।